वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एंड रोल ऑफ मैनेजर। कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होता है, उसके बैरियर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियर। ये दोनों साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक कलेक्शन है बहुत सारे लोगों का जो कि एक साथ मिलकर वर्क करते हैं कि वो अचीव कर सकें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। बिहेवियर एक मैनर है कि कैसे वन पर्सन अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फ्रेड ल्यूथन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है अंडरस्टैंडिंग से, प्रेडिक्शन और कैसे हम कंट्रोल करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को। कीथ डेविस कहते हैं कि एक स्टडी और एप्लीकेशन है कि कैसे लोग एक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे बिहेव करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, लीडरशिप एंड पावर, लेवल्स ऑफ एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो बहुत सारे डिसिप्लिनस पे बना हुआ है, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये हेल्प करते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें ह्यूमन के बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि जो साइकोलॉजी है वो एक पर्सनालिटी सिस्टम को बताता है, सोशियोलॉजी सोशल सिस्टम बताता है, एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और ये सब मिलकर इंटीग्रेशन करते हैं ह्यूमन के बिहेवियरल साइंस को। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिविजुअल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड है, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, इंटरेक्ट करेंगे और डिसीजंस लेंगे वर्क प्लेस पर। ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि साथ में मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं कि अकम्प्लिश कर सकें, अचीव कर सकें गोल को। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर जानने में। फैक्टर जैसे कि हायरार्की, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिकॉग्नाइज करता है कि कैसे वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड अजम्पशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में रहकर। लेवल्स ऑफ एनालिसिस की बात करें तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। फीचर्स ऑफ ओबी की बात करें तो ओबी एक सिस्टमेटिक स्टडी है, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, चेंज ओरिएंटेड है। ओबी इज़ एप्लीकेशन ओरिएंटेड एंड इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। रोल ऑफ मैनेजर की अगर हम बात करें तो 1973 में हेनरी मिंट्सबर्ग, एक कनाडियन एकेडमिक और ऑथर, जिन्होंने बिजनेस और मैनेजमेंट पे एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क। मिंट्सबर्ग ने कैटेगराइज करा है सभी एक्टिविटीज़ को 10 मैनेजरियल रोल्स में, जिसमें इनके 3 मेन हेडिंग्स हैं, दैट इज़ इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। इंटरपर्सनल के अंदर फिगर हेड, लीडर, लाइजन आ जाता है। इंफॉर्मेशनल रोल्स में मॉनिटर, डिसामिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल में इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर आता है। इंटरपर्सनल के रोल की बात करें तो पहला है फिगर हेड। ये एक सिम्बॉलिक हेड होता है जो कि परफॉर्म करता है रूटीन ड्यूटीज़ को। लीडर मोटिवेट और एक्टिवेट करता है सबऑर्डिनेट्स को और परफॉर्म करते हैं स्टाफिंग, ट्रेनिंग और एसोसिएटेड ड्यूटीज़ को। लाइजन मेंटेन करता है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक कॉन्टैक्ट होता है आउटसाइडर्स से। इंफॉर्मेशनल रोल्स, पहला है मॉनिटर, सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इशूज दैट आर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वो इशूज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं वो मॉनिटर में आता है। डिसामिनेटर, डिसामिनेटर ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन। स्पोक्स पर्सन ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि प्लान्स, पॉलिसीज, रिजल्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
डिसीजनल रोल्स फर्स्ट इज एन एंटरप्रेन्योर, एनकरेज करता है इनोवेशन एंड चेंज को। डिस्टर्बेंस हैंडलर जो कि करेक्शन करते हैं डिफ़िकल्टीज में। रिसोर्स एलोकेटर ये कहता है कि आपको ऑप्टिमम एलोकेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का। नेगोशिएटर रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को नेगोशिएशन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन, मतलब कॉमन सेंस। जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब होता है कि हम कैसे शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, व्यूज़ को। इन अदर वर्ड्स ट्रांसमिशन और इंटरेक्शन होता है फैक्ट्स का, आइडियाज़, ओपिनियन, फीलिंग्स और एटीट्यूड का। कम्युनिकेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट का। बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है प्लानिंग, स्टाफिंग, सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। कैन नॉट बी डन इफेक्टिवली विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये सब कुछ बिना कम्युनिकेशन के नहीं करा जा सकता। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है ट्रांसफ़र, जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन को, मैसेज को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। प्रोसेस गोज ऑन एंड इंक्लूड्स अ मिनिमम ऑफ वन सेंडर एंड रिसीवर टू पास ऑन द मैसेज। प्रोसेस जो है वो एक सेंडर इन्वॉल्व करता है और रिसीवर जो कि पास करते हैं मैसेज। दीज मैसेजेस कैन नाइदर बाय बी एनी आइडियाज़। कोई आइडिया हो सकता है, कोई इमेजिनेशन, कोई इमोशन या फिर थॉट हो सकता है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू शेयर। देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल टूडे। आज बहुत सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पे वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल के दो टाइप्स हैं, ओरल एंड रिटन। देन बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में दो टाइप्स हैं, फेस ओरल के दो टाइप्स हैं, फेस टू फेस एंड डिस्टेंस। कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंडर, कि जो सेंडर होता है वो पहले मैसेज को इनकोड करता है, मतलब वो मैसेज को पढ़ने लायक, प्रेजेंटेबल लायक बनाता है कि उसे क्या मैसेज ट्रांसमिट करना है, क्या थॉट्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं, क्या चीज़ वो किसी और पर्सन को बताना चाहता है। देन मैसेज का चैनल होता है कि किस चैनल के थ्रू आपका मैसेज ट्रांसमिट होगा। देन रिसीवर, फिर वो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है जिस पर्सन को भी आप भेज रहे हैं, और फिर रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, मतलब कि उसे पढ़ता है, और फिर वो एक मैसेज चैनल का यूज़ करता है और फीडबैक देता है। बैरियर्स की बात करें कम्युनिकेशन के, तो एक सेमेंटिक बैरियर होता है, मतलब बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस होते हैं जिसमें सिंबल्स जिनकी डिफरेंट मीनिंग होती है, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लेरिफाइड अजम्पशंस होता है, टेक्निकल जार्गन, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। देन साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, या फर्स्ट वन इज प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि रिजल्ट आने से पहले ही हम ये प्रीमैच्योरली ये मतलब सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। लैक ऑफ अटेंशन, या फिर जब कोई पर्सन अपनी बात कह रहा हो हम अटेंशन नहीं पे करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और फिर बाद में हम समझ नहीं पाते हैं। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, या फिर ऐसा होता है कि किसी फॉल्ट की वजह से हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, या फिर डिस्ट्रस्ट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, समटाइम्स कम्युनिकेशन बैरियर्स इसलिए आते हैं क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं समझ पाते हैं, स्टेटस होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़। देन पर्सनल बैरियर लाइक फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। ये हैं कुछ बैरियर्स। सो दिस वीडियो एंड्स हियर। थैंक यू।